बाकी टाइम लगेगा, आज नहीं कल कामयाब होएंगे भाई हम, ठीक है। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, जब तक मैं ओलंपिया क्वालिफाई करूंगा नहीं बैठने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जितने भी मुझे शो खेलने पड़े मैं खेलूंगा और शो क्लियर करके रहूंगा, और शो क्लियर तभी होगा जब मैं एकदम बेस्ट फिजिक लेके आऊंगा। हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे राहुल फिटनेस की। तो राहुल फिटनेस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पिक करने वाले हैं, दैट इज पोजिंग एन इशू और इज पोजिंग नॉट एन इशू। क्योंकि इस पर काफी लोगों का ना मिक्स ओपिनियन आती रहती है। कोई बोलते हैं कि पोजिंग की वजह से उनकी जो प्लेसिंग है वो काफी ज्यादा सफर कर रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि पोजिंग की वजह से उनकी प्लेसिंग सफर नहीं कर रही। तो ये मिक्स ओपिनियन जो है ना, इस पर सारी आज हम डिटेल में बात करेंगे। एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दैट गाइस, अपनी कोई भी ओपिनियन हो आपकी उसमें कुछ गलत नहीं है। द स्पोर्ट इज वेरी सब्जेक्टिव, एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट हर डिफरेंट ओपिनियन का मतलब ये नहीं है वो सही है या फिर वो सही नहीं है। बट इस बारे में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर सीइंग इट, और आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ को देखने का। बट इस बारे में गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी राहुल ने एक वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पर आफ्टर अ लॉन्ग वाइल, उनके लास्ट शो टोक्यो प्रो के बाद की और हांगकांग प्रो से पहले की। तो इसमें एक चीज़ तो बहुत जबरदस्त यहाँ देखने को मिली कि राहुल हमें बोलते हुए दिखे, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ये देखिए। तो मतलब माइंडसेट सेट है गाइस, मतलब थोड़ा सा गैप लेंगे अब वो जरूर, क्योंकि जो सिचुएशन है और जिस तरह के उन्होंने काफी एक के बाद एक शोज में कम्पीट करा है, हिज बॉडी ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिकवर, वॉन्ट्स टू रेस्ट। तो उसके बाद हमें राहुल दिखाई देंगे दोबारा से स्टेज पर, लेकिन एक माइंडसेट का हमें जरूर पता लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, ही हैज डिसाइडेड कि भाई क्वालिफाई करना है तो करना है, और बहुत ही जल्दी हमें ये चीज होती हुई भी दिखेगी, क्योंकि कंसिस्टेंटली गाइस ये टॉप 5 क्रैक कर रहे हैं हर एक प्रो शो के अंदर। तो अब उसके बाद बात करते हैं इस सेक्शन की, जहां पर ये पोजिंग प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई दी हमें कुलदीप सिंह यादव के साथ। अब अगर इसी पॉइंट पर चले पोजिंग वाले पर, तो देखो गाइस, पहले भी मैंने एक बात करी थी और मैं अभी भी दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा कि लोग पोजिंग पोजिंग बोलते रहते हैं राहुल के लिए। एंड पोजिंग जो इंडिविजुअल पोजिंग होती है ना, यस यू कैन से देयर इज एन इशू, वहां पर इंप्रूवमेंट जरूर करी जा सकती है, वहां पर इंप्रूवमेंट्स की जरूर रिक्वायरमेंट है, बट एक्चुअल में प्लेसिंग पर उसका कितना असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो ज्यादा नहीं है गाइस। क्योंकि इंडिविजुअल पोजिंग आपको कॉलआउट्स के लिए जजेस को चुनने पर मजबूर कर देती है कि आप कॉलआउट में आ जाओ, किसी भी वहां से डिसाइड हो जाता है कि आप कौन से कॉलआउट का पार्ट बनोगे। बट उसके बाद गाइस, उसके बाद कॉलआउट में आप कहां पर प्लेस करोगे, आपकी लास्ट प्लेसिंग कहाँ होगी, वहाँ कंपेटिटिव पोजिंग में ये चीज़ डिसाइड होती है। उस जगह पर आप कैसे हो, उस जगह पर अपनी फिजिक को दूसरों के कंपेटिवली आप कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, उस चीज़ से डिटरमिन होगी आपकी फाइनल प्लेसिंग। और यहाँ पर सेम बात गाइस कर एक पॉडकास्ट में, जहाँ पर हैरी संधू भी थे, आई रियली लव द पॉडकास्ट बाय द वे दे ऑल वर कम्युनिकेटिंग एंड डिस्कसिंग एवरीथिंग विद सो मच डिटेल, उनके व्यूज पता लग रहे थे, उनकी नॉलेज का पता लग रहा था, उनकी अंडरस्टैंडिंग का पता लग रहा था। तो मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग भी जरूर देखना अगर मौका मिले तो। बाकी एनीवेज लिसन टू दिस। पोजिंग दो दो चीजें होती है पोजिंग में, एक आपकी फ्री पोजिंग, एक आपकी कंपैरिजन की पोजिंग, ठीक है। जो फ्री पोजिंग होती है ना, उसका रियली कोई, उसका सिर्फ ये होता है कि यार इस बंदे को हमने लेना है फर्स्ट कॉलआउट में या सेकंड कॉलआउट में कि नहीं, ठीक है। जब वो फर्स्ट कॉलआउट में आ गया तो फ्री पोजिंग जितनी मर्जी बकवास की और राहुल ने, वो खत्म हो गया चैप्टर, वो चैप्टर क्लोज्ड है। जब हम इनकी साइड बाय साइड पोजिंग देख रहे हैं, राहुल की पोजिंग वॉज फाइन, ठीक है, उसकी फ्री पोजिंग सक्स, मान ली उसकी फ्री पोजिंग नहीं ठीक थी, लेकिन फ्री पोजिंग में थोड़ा ना आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देते हो, सिर्फ उसमें एक ही ये बंदा फर्स्ट कॉलआउट में आएगा या सेकंड में आएगा, कॉलआउट में आ गया उसके बाद तो द पोजिंग इज सेम यार, कोई कंपैरिजन नहीं। तो हैरी संधू जी ने भी यहां पर एग्जैक्ट यही बात बोली, एंड ट्रस्ट मी, अगर ये कॉल आउट का पार्ट बन रहे हैं तो वो एक फर्स्ट पोजिंग वाली इंडिविजुअल पोजिंग वाली चीज चाहे हो या ना हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, क्योंकि फर्स्ट कॉल आउट में उनको फिर भी बुलाया जा रहा है। एंड सेकंडली इन द कंपेटिटिव पोजिंग ही इज एक्चुअली बीइंग कंपेटिटिव, वहां पर मुझे ऐसी कोई कमी नहीं दिखती। मैंने अपने पहले के वीडियोज में भी ये बात बोली है, ही इज होल्डिंग पोजेस रियली रियली वेल, ये यहां पर इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, अपने हाथों की मूवमेंट नहीं करते, और वहां पर आप काफी ज्यादा इशूज इनके साथ कॉल आउट नहीं कर सकते। यस, थोड़ा सा पोजेस को और ज्यादा इनहेंस डेफिनेटली करा जा सकता है, विद टाइम ये वो चीज करेंगे भी, बट ही इज होल्डिंग पोजेस गाइस, यहां पर ये ऐसा कोई इशू नहीं दिखता। एंड बिगर देन दैट, ही इज द फर्स्ट वन टू होल्ड पोजेस, आप किसी भी कॉल आउट में देख लो सबसे पहले राहुल अपना पोज होल्ड करते हैं, फर्स्ट वन टू गेट इनटू द पोजिंग पोजीशन। सो ये कहना कि पोजिंग इज इंपैक्टिंग हिज प्लेसिंग, आई वुडंट अग्री विद दैट, ये चीज अग्रीएबल नहीं है, या फिर इतना बोला जाना कि हर एक चीज का टोकरा राहुल फिटनेस के कंधों पर पोजिंग को लेकर दे दिया जाता है कि पोजिंग सही नहीं है, पोजिंग को फिक्स करो, पोजिंग को फिक्स करो। अरे आप समझ के देखो ये चीज, अगर पोजिंग सही नहीं है, ठीक है, आई ऑल्सो अग्री कि इंडिविजुअल पोजिंग सही नहीं है, बट उससे इतना इंपैक्ट पड़ रहा है उनकी प्लेसिंग पर, क्या वो कॉल आउट का पार्ट नहीं बन रहा है, क्या जजेस उसके बेस पर उनको सेकंड कॉल आउट में, थर्ड कॉल आउट में बुला रहे हैं? नहीं ना गाइस, जजेस आर कॉलिंग हिम आउट इन द फर्स्ट कॉल आउट, और वहां पर जहां पर वो चीज मैटर करनी चाहिए कंपेटिटिव पोजिंग में, वहां पर वो चीज लैग करती हुई नहीं दिख रही। तो आई थिंक हमें इतना ज्यादा इस चीज को पॉइंट आउट करना छोड़ देना चाहिए। पहले इनको लेके हम बोलते थे कि डेल्स का इशू है, आप डेफिनेटली देख सकते हो इनकी लास्ट दो शोइंग्स में कि इनके डेल्स इन्होंने किस लेवल तक इंप्रूव करेगा, इनके डेल्स डेफिनेटली इंप्रूव हुए हैं। और साइज की बात तो आप छोड़ ही दो, आर्म्स का साइज कम हो रहा है, और बाकी इस चीज को लेकर कोई ऐसा इशू नहीं मिल रहा, ना ही कहीं फीडबैक मिल रहा है। बाकी अब आई बिलीव गाइस ही इज गोइंग टू टेक अ गैप,
एक मस्ट डिजर्व्ड एंड रिक्वायर्ड गैप जो इनको चाहिए भी अपनी बॉडी को रेस्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए, मेंटली उस जोन में दोबारा जाने के लिए, एंड ही मस्ट टेक दैट। एंड आई रियली होप कि राहुल फिर से हमें दोबारा स्टेज पर दिखाई देंगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत ज्यादा रिकवर करने के बाद, और बहुत जल्दी हमें क्वालिफाई करते हुए भी दिखाई देंगे। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि क्यॉन पियर्सन की, एंड क्यॉन पियर्सन के कोच पैट्रिक टून ने एक और अपडेट शेयर कर दिया क्यॉन पियर्सन की। एंड यहाँ पर ये बोल रहे हैं बेस्ट फ्रेंडेबल बाइसेप इन द वर्ल्ड पीरियड, डू यू अग्री? वेल आई टोटली बिलीव इट गाइज, ये टोटली बिलीवेबल बात है कि भाई फ्रेंडेबल बाइसेप पोस्ट आई थिंक इस वक्त क्यॉन पियर्सन की टक्कर का किसी का भी नहीं है। यस आप बोलोगे डायरेक का है, बट नहीं गाइज, डायरेक से भी अगर आप कंपेयर करोगे डायरेक से भी इंप्रूव्ड फ्रेंडेबल बाइसेप पोस्ट इनका है, क्योंकि इवन हिज आर्म्स आर कंडीशन, ये इतनी सॉफ्टनेस शो नहीं कर रहे गाइज, इनसेनली स्मॉल वेस्ट, इवन स्मॉलर देन डायरेक लंसफर्ड। या साइज कम है उनसे मैं मानता हूँ, पूरी तरह अग्री करता हूँ, बट अगर मैं साइज की बात हटा के दूसरे एस्पेक्ट्स में बात करूँ तो कंडीशन ये ज्यादा शो कर रहे हैं, आंस में वो सेपरेशन पता लग रही है। आई मीन कैन यू सी गाइज हाउ मैजिकल प्रोपोर्शंस दिस गाय इज कैरिंग, इनसेनली स्मॉल वेस्ट, कॉर्ड्स वेल सेपरेटेड, साइज की भी कोई कमी नहीं है गाइस कॉर्ड्स में, लैट्स ना सिर्फ वाइडर हैं और एक क्रेजी एक्स फ्रेम बनाने में इनकी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि थिकनेस में भी लैट्स कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ही अलग गाइस सुप्रीम प्रोपोर्शंस हैं इनके भी। एंड इवन आफ्टर दिस एडिट साइज दिस डेंस मसल्स क्यॉन इज बिलो द वेट कैप, यस गाइस अभी भी अपने वेट कैप के अंदर हैं और उसके बाद भी और मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड करने का स्कोप रखते हैं। ये कुछ टॉप के कंटेंडर्स गाइस ऐसी फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स कि इनके जाने के बाद इनकी कमी कौन पूरी करेगा, ये सोचकर तो बहुत हैरानी होती है। फॉर एग्जांपल सीबम इन क्लासिक डिवीजन, क्या उनकी स्पेस कोई फिल कर पाएगा? यस वेस्ली सुप्रीमली क्लासिक, लेस्लो क्लैली सुप्रीमली क्लासिक, उसके बाद हम बात करें रमोंटिनो की, ही इज ऑल्सो रियली रियली गुड, तो ये लोग उनकी जगह ले सकते हैं लेकिन फिल नहीं कर सकते गाइस, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इफ यू नो यू नो। और फिर उसके बाद रूटवेल डिवीजन में क्यॉन पियर्सन शॉन क्लैडा की जगह, बहुत मुश्किल है गाइस इन लोगों के शूज में फिट इन करना। और यस कल के पोस्ट पर वोट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 75% 3/4 ऑफ द वोट क्यॉन की तरफ रूट करना है। अब ऑनेस्टली गाइस इसे पोस्ट करते हुए आई थॉट एक इक्वल वाला यहाँ पे बैलेंस मुझे देखने को मिलेगा मोस्टली, और अगर मेजरली जाएगा भी ना तो 45-55% तक जाएगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों के ही लोग इतने पसंद करते हैं और दोनों को ही इतना जबरदस्त कॉम्पिटिशन लोग समझते हैं। अब ऑनेस्टली टू माई सरप्राइज इतना कम आंकड़ा है यहाँ पर लोग शॉन को, मुझे देखकर ये बहुत ज्यादा हैरानी है, और क्यॉन को इतना स्ट्रांग। अब टू बी ऑनेस्ट क्यॉन को इतना स्ट्रांग समझने में देयर इज नथिंग रॉन्ग गाइस, ही इज डेफिनेटली डिजर्विंग ऑफ दिस मच लव एंड दिस मच प्रेज, बट शॉन को इतने कम वोट्स आना, मतलब 1/4 वोट्स आना, वेल दैट वॉज सरप्राइजिंग गाइस, दैट वॉज रियली रियली सरप्राइजिंग। सो ये मुकाबला वन साइडेड तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, द लेवल ऑफ हंगर दे बोथ आर शोइंग ये तो एक अलग ही इनक्रेडिबल लेवल पर जा चुकी है। अब देखो जीते कोई भी हारे कोई भी, बट उस दिन ना बॉडी बिल्डिंग की जीत जरूर होगी, क्योंकि ऐसा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा कि सब फैंस की तमन्ना पूरी हो जाएगी। एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, तो काफी टाइम से मैंने इन्हें कवर नहीं करा, आज मैं बात करूंगा जीजो जॉन की, और जीजो जॉन इस वक्त जा रहे हैं 12 महीने के लंबे बल्क पर। यस गाइस विच स्टार्टेड आई बिलीव एक वीक पहले इन्होंने बल्क स्टार्ट करा, और इस बार इनका गोल है गेट बिगर, और अपने वेट कैप में जो इनको ह्यूज स्पेस मिलती है जो अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करना। देखो 94 kg तक का इनका वेट कैप है, और लास्ट टाइम जब ये स्टेज पर थे दुबई प्रो में तो ये 82 kg के आसपास थे, तो एक ह्यूज मार्जिन, यू नो एक ह्यूज मार्जिन इनके पास अभी भी अवेलेबल है। और अपनी जो ये लेटेस्ट अपडेट ये शेयर कर रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि दीज शेड्स विल बी मिस्ड फॉर अ वाइल, मतलब इस फॉर्म को, इस कंडीशन को, इस स्पील फिजिक को ये काफी लंबे टाइम तक मिस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी गाइस प्रो कार्ड से पहले, जब प्रो कार्ड इन्होंने नहीं जीता था उससे पहले, ही वेंट ऑन अ ग्रेट ऑफ सीजन, और मुझ समेत कई लोगों ने बिलीव नहीं करा था कि व्हाट वाज अबाउट टू कम, व्हाट वी वर अबाउट टू विटनेस, एंड देन केम शेरू क्लासिक, एंड उसके बाद जैसा पैकेज ये लेकर आए स्टेज पर, इन माई ओपिनियन गाइज सबसे बेस्ट पैकेज था उनका स्टेज पर, द फुलनेस, द चेस्ट, द विथ ऑफ द डेल्ट्स, बैक पर सीरियसली काम करा गया था, वो डिटेल्स, वो डेंसिटी दिख रही थी, ही वॉज कैरिंग रियली रियली एन इनक्रेडिबल फिजिक एंड गॉट द प्रो कार्ड। देखो कंडीशन में हम कभी भी इन पर डाउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कम ऐसे एथलीट हैं जिन पे कंसिस्टेंसी वाली चीज़ आती है, एंड जीजो जॉन ने अपने आप को हमेशा प्रूव करा है एक कंसिस्टेंट एथलीट के रोल में। 20 से 19 हो जाएंगे, उससे कम इनकी कंडीशन कभी नहीं होगी, और 19 भी उनका वर्स्ट होगा, पता है 19 इनका वर्स्ट होगा, इतनी जबरदस्त कंडीशन ये हमेशा नेल करके आते हैं, एंड दिस इज विद कंसिस्टेंसी। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि इनकी और अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगी, आई होप ये टाइम टू टाइम अपडेट शेयर करते रहें इस बल्क सीजन के बीच में भी, एंड आई रियली वांट टू सी हिम एडिंग मोर सीरियस मसल मास। 12 मंथ्स गाइस एक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, बट इसका मतलब एक चीज ये भी है कि हम इनको जल्दी ही स्टेज पर नहीं देखने वाले, इंडिया के जितने भी शो होंगे उनमें कंपीट करते हुए नहीं दिखेंगे, एक तो आई थिंक इस साल के एंड में ये, एक जून में है वहां पर ये नहीं दिखेंगे, उसके अलावा और भी किसी शो में नहीं दिखेंगे। बट आई टोटली अग्री एंड बिलीव कि किसी भी एथलीट को ना सिर्फ कंपीट करने के लिए कंपीट नहीं करना चाहिए, बट जब उसको टोटली बिलीव हो कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, चाहे वो प्लेसिंग के तौर पे हो, चाहे वो क्वालिफिकेशन के तौर पे हो, या फिर एक्सपीरियंस के तौर पे हो, उसके बाद ही करना चाहिए। अब लेट्स सी एक साल में
कितनी ज्यादा मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड कर लेते हैं या बट एक्सपेक्टेशंस आर रियली हाई, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है ना अब तक, उस तरह से तो लोग इनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि नेक्स्टजिला की। नेक्स्टजिला दोबारा से कम्पीट नहीं करेगा इस यूके प्रो में। यस, इन न्यूमरस शोज अनाउंस कि भाई इसमें कम्पीट करूंगा, उसमें कम्पीट करूंगा, कहीं भी कुछ कम्पीट नहीं करते। पहले इन्होंने बोला इटली में कम्पीट करूंगा हंटर के साथ, वहां नहीं कर रहे। फिर अनाउंस कर रहा है यूके में कम्पीट करूंगा, यहाँ पे पैट्रिक मूर से भी आई थिंक डर गए हैं, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अब ये यूके प्रो में भी कम्पीट नहीं कर रहे। अब इनके कोच ने उन्होंने बैठकर एक वीडियो निकाला यूट्यूब पर, तो वहां पर जो उन्होंने बात करी वो यही बोला कि अपने 70% पर ये नहीं आना चाहते, 72% पर ये नहीं आना चाहते। इनका टाइम आएगा, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा शोज होने वाले हैं, वहां पर ये कम्पीट करते हुए हमें दिखाई देंगे। अभी इनको अपनी कंडीशन पे वर्क करना है, अपनी कमियों पर वर्क करना है। एंड आई थिंक गाइज इसमें कुछ भी गलत नहीं है इस तरह की अप्रोच फॉलो करने में कि भाई आप अपनी कंडीशन पे वर्क करना चाहते हो, आप जब तक 100% कंफर्टेबल नहीं हो आप शो में उतरना नहीं चाहते। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग इज प्लेइंग विद फैंस, मतलब आप कभी बोल रहे हो मैं इस शो में कम्पीट करूंगा, कभी बोल रहे हो इस शो में, ऐसा क्यों बोलना जब तक आपका माइंड डिसाइड नहीं कर लेता, आप माइंड सेट नहीं कर लेते कि भाई मैं यहाँ कम्पीट नहीं करूंगा और इतने पीरियड के बाद मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगा या फिर मुझे लगेगा कि यहाँ कम्पीट करना, मैं अनाउंस करूंगा। आप हर एक दूसरा शो जो भी आ रहा है ना उसके अंदर अपना नाम दे दो, उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी को आप लूज करो इस तरीके से। फैंस आर रियली making fun of him right now guys, सच में ट्रस्ट मी फैंस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल एक हाइप की तरह ले रहे हैं इनको कि भाई बेकार बातें करते हैं, बिल्कुल झूठ झूठ बोलते हैं। हर एक शो में आप ऐसा करोगे ना तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अलग लेवल तक खत्म हो जाएगी, जो लोग आपके फैन थे ना वो भी आपकी तरफ से मूव कर जाएंगे, टर्न कर जाएंगे। और मुझे तो यही चीज समझ नहीं आती कि दुबई प्रो ठीक है, दुबई प्रो में जैसे आए उसके बाद 5 से 6 हफ्ते ही नहीं मिले यहाँ पर इटली प्रो या यूके प्रो के लिए, तो इतने लंबे पीरियड में भी क्यों आप कंडीशन नेल नहीं कर सकते। मतलब वहां हम इनकी कंडीशन अगर देखें दुबई प्रो में तो इतनी ज्यादा दूर नहीं थी कि भाई 6 वीक में ये रेडी ना हो पाए, हो जाते ही ऑलमोस्ट अगर ये ट्राई करते हैं। बट वही है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज ही डिसाइडिंग, बट जो भी है गाइस ये चीज अच्छी नहीं जा रही इनके लिए खासतौर पर। लेट्स होप अब ये तभी अनाउंस करें जब ये पूरी तरह से सर्टेन हो कि यस आई एम गोइंग टू बी एबल टू क्वालिफाई। एनीवेज आप बताओ ये अपडेट्स आपको कैसी लग रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि माइकल क्रिजो की। माइकल क्रिजो हैज गॉन क्रेजी, मतलब इन अ वेरी वियर्ड वे ही हैज गॉन क्रेजी। आई मीन हम लोग सोच रहे थे सर्जरी के बाद अब ये थोड़ा टाइम लेंगे, अब ये थोड़ा रिकवर करेंगे, अब ये अपनी फिजिक के दूसरे एस्पेक्ट्स को इनहांस करने की ट्राई करेंगे, जहां पर वीकनेसेस हैं, जहां पर वैक्यूम की इनको रिक्वायरमेंट है उसको अपनी फिजिक में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं गाइस, नहीं, क्रिजो ऐसा क्यों करेंगे, ये तो अपने आर्म से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। फिर से हमें आर्म ट्रेन करते हुए दिखा दिया, मतलब एक शोल्डर में इनकी सर्जरी हुई है उस आर्म को ये ट्रेन नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे आर्म को अभी भी ट्रेन कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू मैन, ही इज रियली ऑब्सेस्ड विद हिज आर्म्स। ठीक है, दोनों नहीं कर सकता मैं ट्रेन, एक को तो मैं कर सकता हूँ ना और मैं करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई डोंट नो किस तरह का डिसबैलेंस भी बन सकता है इस तरह से, एक वीक भी नहीं हुआ आई थिंक, एक वीक भी नहीं, एंड ये जिम में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं ठीक है, बट अपने आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं फिर से। ही कुड डेफिनेटली हैव वर्कड ऑन वैक्यूम, बेटर स्टमक कंट्रोल, लेकिन नहीं, मिस्टर ओलंपिया नहीं, ये मिस्टर आर्म्स का कॉम्पिटिशन चलने वाला है जहां पर क्रिजो अपने आर्म्स को ही 30-35 इंच का बनाना चाहते हैं और उसके बाद कम्पीट करना चाहते हैं। एनीवेज आप बताओ ये अपडेट आपको कैसी लगी और कितनी अच्छी अप्रोच लगी यहाँ पर क्रिजो की आपको, और क्या इस चीज से इम्बैलेंस भी बन सकता है मसल्स में आपको लगता है। एनीवेज अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट अपडेट पर जो कि आंद्रिया प्रेस्टी की। एंड आंद्रिया प्रेस्टी भी कम्पीट करने का इसी वीक होने वाले शो इटली प्रो में हंटर ब्राडा के सामने। यस, अब ये आंद्रिया प्रेस्टी के अपडेट्स आप देखोगे यहाँ पर ये सेम नहीं दिखेंगे जैसे हम इनको देखते हैं। ही लुक्ड मैसिव अर्लियर बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइज लूज कर दिया, उसके बाद रीगेन भी करा लेकिन अभी भी अपने उस प्राइम फेज में, अभी भी उतने एक्सट्रीम वाले फेज में जहाँ पर ये मास मॉन्स्टर बहुत ही ज़बरदस्त लेवल वाले लगते हैं नहीं पहुँचे हैं। अपर बॉडी अब भी इनकी डोमिनेट कर रही है लोअर बॉडी को, मतलब ही वॉज सो ह्यूज पहले के टाइम में कि क्रिजो से वाइडर लगने लगते थे, आप समझ लो कितने ज़्यादा मसल मास, कितने ज़्यादा वेट ये कैरी करते थे, बट हेल्थ इशूज, उसके बाद साइज लूज कर दिया, उसके बाद दोबारा बीमार हो गए, ऐसा ही होता है। लेकिन यस, लेग्स का साइज ही हैज़ लॉस्ट बट अपर बॉडी का भी इन्होंने साइज काफ़ी लूज करा है, उसी वजह से एक डिस्प्रोपोर्शन होते हुए भी काफ़ी हद तक वो बैलेंस आउट होता हुआ दिख रहा है। और देखो यहाँ पर हंटर को बीट करते हुए तो मैं इनको सच में नहीं देखता हूँ, बट लेट्स सी किस तरह का पैकेज ही ब्रिंग्स। 2021, 2022, 2023 लगातार 3 साल गए इन्होंने मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करा है और तीनों बार स्टेज पर चढ़े हैं। एक यही साल होगा आई बिलीव जब हम इनको स्टेज पर नहीं देख पाएंगे, वैसे ट्राई तो ये इस बार भी कर रहे हैं बट ऐसा होना इस बार बहुत ही मुश्किल है। हंटर नहीं होते तो आई बिलीव हम इस बारे में सोच भी सकते थे, बट हंटर की मौजूदगी में आई रियली बिलीव कि ऐसा पॉसिबल इस साल तो नहीं है, इस हंटर के सामने तो नहीं है। इस हंटर के सामने तो आई थिंक कोई टॉप कंपेटिटर होता ना वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता और कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर जो कि हौरास की। एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ ये शेयर करी थी, हौरास द डोमिनेटर इनके इंस्टा हैंडल का नाम है, एंड आई डिसाइडेड टू कवर हिम बिकॉज ऑफ हिज अनबिलीवेबल प्रोपोर्शंस गाइस। बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक प्रोपोर्शन से कैरी कर रहे हैं, एक बहुत ही टाइनी वेस्ट, कार्टूनिश वेस्ट,
ह्यूज आर्म्स, क्रेजी एक्सट्रीम लेग्स में, यस अभी भी थोड़ी और साइज चाहिए इनको, बट इवन देन गाइस ये बहुत ज्यादा एस्थेटिक दिखे, बहुत ज्यादा क्लासिक दिखे, बहुत ज्यादा खूबसूरत इनकी फिजिक दिख रही थी। सो अभी ये प्रो भी नहीं है, पता है ये प्रो कार्ड जीतने के लिए ट्राई कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं। आई बिलीव क्लासिक डिविजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट आई रियली रियली लव हिज फिजिक, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी प्रपोर्शन से कैरी करते हुए हमें दिखाई दिए। तो आई होप आज का वीडियो गाइस आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा और आप किन की अपडेट्स मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।